तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली की लॉगर्स के बारे में। की लॉगर्स क्या होता है, वो क्या करता है बेसिकली, यही तो की लॉगर्स बेसिकली नाम से ही जाहिर है, की को लॉक करता है। कहने का मतलब आप जो की स्ट्रोक्स डालते हैं, मतलब जो की स्ट्रोक्स होता है, जब आप कोई भी बटन दबाते हैं ABCD कुछ भी, तो वो जो है सो उसको रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो की लॉगर से ही करता है। तो आपका इससे क्या मतलब हानि हो सकता है आपका, तो सिंपल सा है, की लॉक करता है। मतलब आपका आप जब पासवर्ड डालिएगा, यूज़र नेम डालिएगा, तो वो भी लॉक करेगा, सिंपल है। तो उससे जो होगा कि आपका हानि ही हानि है, कि आपका पासवर्ड और यूज़र नेम किसी और को पता चल जाएगा। दूसरा बात, की लॉगर्स दो तरह का आता है। पहला होता है सॉफ्टवेयर वाला की लॉगर, दूसरा होता है हार्डवेयर की लॉगर। तो हार्डवेयर की लॉगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में मैनुअली लगाया जाता है, और सॉफ्टवेयर की लॉगर आप जनरली आप किसी सीडी लिंक्स को क्लिक करते हैं, घटिया लिंक्स को, तो उससे की लॉगर्स इंस्टॉल हो जाता है अपने आप सिस्टम में। की लॉगर्स भी बहुत तरीके का होता है। एक की लॉगर्स होता है जो प्रोग्राम के रूप में होता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर का पीस। कुछ की लॉगर्स होता है सिस्टम में ही जो है एकदम सिस्टम के फाइल को एडिट कर देता है, और उसी में जो है सो सिट मतलब बैठा रहता है उसी सिस्टम फाइल में ही, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर में की लॉगर्स है, ठीक है। तो की लॉगर्स से प्रिवेंट से बचने का कुछ तरीका है कि की लॉगर्स एक अच्छा आप एंटी मालवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करें। दूसरा, आप जो है रेगुलरली जो है सो अपने कंप्यूटर का आस पड़ोस में जो है सो मतलब जैसे USB पिन या फिर पीछे का जो USB पिन सब होता है, उस सबको जो है सो रेगुलरली चेक करते रहें कि यार कहीं कोई कनेक्शन जो है सो एक्स्ट्रा तो नहीं है, जो आप नहीं लगाए हैं, कोई और लगा के चला गया है। तो ऐसा कुछ चीज़ जो होता है आप रेगुलर अगर देखिएगा, तो आप की लॉगिंग से बच सकते हैं, अगर आप की लॉगिंग के शिकार होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो यही सब की लॉगर्स के बारे में, और साथ में कुछ ईमेल्स जो आता है, बकवास वाला ईमेल सब होगा, उस सब से भी दूर रहें, क्योंकि बकवास वाला ईमेल सब जो है उसमें वायरस होता है, वायरस के साथ साथ की लॉगर्स भी हो सकता है। तो उस सब जो है उन सब से दूर रहें, कोशिश करें ऐसे चीज़ों को जो है सो छेड़छाड़ ना करने के, और ऐसे चीज़ों को छेड़छाड़ अगर आप नहीं कीजिएगा तो जो है बचे रहिएगा। ऐसे वेबसाइट्स में ना जाए जो वेबसाइट बकवास है, अगर बकवास वेबसाइट से तो उससे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज़ से मतलब थोड़ा छोटा छोटा बात से अगर आप छोटा छोटा बात को अगर आप ध्यान रखिएगा तो आप की लॉगर से बच सकते हैं, साथ में वायरस से भी बच सकते हैं। वायरस भी आता है अगर आप बकवास के वेबसाइट्स में अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो ये सब छोटा छोटा बात पर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।